हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सीपीआर। सीपीआर मीन्स कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर को बीएलएस के नाम से भी जानते हैं। बीएलएस मीन्स बेसिक लाइफ सपोर्ट। सीपीआर एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। इसको तब परफॉर्म करते हैं जब पेशेंट की ब्रीथिंग और हार्ट बीट रुक गई हो। सीपीआर ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सीपीआर को हार्ड एंड फास्ट चेस्ट कंप्रेस करने के साथ शुरू करने को रिकमेंड्स करता है। सीपीआर के थ्रू आप किसी कार्डियक अरेस्ट पेशेंट की लाइफ को बचा सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट मीन्स सडन लॉस ऑफ हार्ट फंक्शन। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट का हार्ट अचानक से धड़कना बंद कर देता है। कार्डियक अरेस्ट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। और वो पर्सन अचानक से गिर जाता है और उसकी सांस रुक जाती है। तो ऐसे पर्सन को सीपीआर देकर उसकी लाइफ बचा सकते हैं। कौन कौन से केसेस में सीपीआर की ज़रूरत पड़ती है? सीपीआर की कई इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़फुल होता है, लाइक कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट में, इलेक्ट्रिक शॉक वाले पेशेंट में, रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट में। इन सारी कंडीशन में पेशेंट की ब्रीथिंग और हार्ट रेट जब रुक जाता है तो उस केस में सीपीआर की नीड पड़ती है। जब किसी पर्सन को करंट लग जाता है और उसकी पल्स और हार्ट बीट बंद हो जाती है तो इस कंडीशन में सीपीआर देते हैं। जैसे कि एक मूवी है शिवाजी द बॉस, इस मूवी में बच्चे को करंट लग जाता है तो डॉक्टर इस मूवी में बच्चे को सीपीआर देता है जिससे बच्चा सरवाइव कर जाता है। इस मूवी में बच्चे की पल्स फील नहीं हो रही होती है और उस बच्चे की सांस भी रुक जाती है, तो इस कंडीशन में फिर डॉक्टर उस बच्चे को सीपीआर देता है जिससे उस बच्चे की पल्स और ब्रीथिंग वापस आ जाती है और बच्चा सरवाइव कर जाता है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ सीपीआर इज परफॉर्म। जब आप किसी पर्सन को गिरता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले आप उस पर्सन की पल्स चेक करें और ब्रीथिंग चेक करें। अगर पेशेंट की पल्स और उसकी सांस रुकी हुई है तो समझ जाइए कार्डियक अरेस्ट की सिचुएशन हो सकती है। इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने इमरजेंसी नंबर पर कॉल करनी है मेडिकल हेल्प के लिए, और हेल्प आने तक पेशेंट की लाइफ को बचाने के लिए पेशेंट को चेस्ट कंप्रेशन देना है। मींस पेशेंट की चेस्ट को फोर्सफुली एंड रैपिडली कंप्रेस करना है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले पेशेंट के चेस्ट के सेंटर में हाथ रखना है और उसके बाद फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखकर उसी स्पीड से कंप्रेस करना है जिस स्पीड से हार्ट बीट करता है। ऐसा करने पर आप हार्ट का काम कर रहे हैं। दैट मींस पेशेंट की चेस्ट को कंप्रेस करने से ब्लड पेशेंट की बॉडी में ट्रैवल करने लगेगा। ऐसा करने से पेशेंट की बॉडी और ब्रेन दोनों एक्टिव हो जाएंगे। आपने एक मिनट में 100 कंप्रेशन देने का ट्राई करना है। यू शुड रिमेंबर वन थिंग कि पेशेंट को फोर्सफुली कंप्रेशन देना है। दैट मीन्स पेशेंट को हार्ड एंड फास्ट चेस्ट कंप्रेशन देना है ताकि पेशेंट की चेस्ट 5 सेंटीमीटर तक कंप्रेस हो जाए, अदरवाइज ब्लड ब्रेन तक ठीक से नहीं पहुंचेगा। इसके साथ साथ पेशेंट को माउथ ब्रेथ भी दे सकते हैं। हर 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद 1 सेकेंड का एक या फिर 2 माउथ ब्रेथ दे सकते हैं। ऐसा करने से पेशेंट का सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।